तो गाइस एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल का नया अपडेट आ चुका है। ये अपडेट सीजन 2 के लिए है। प्ले स्टोर पर इसकी साइज कुछ है 2.85 GB, जो कि कुछ ज़्यादा ही है। मेरा कहना यही है कि भाई अपडेट जैसा होना चाहिए। इन्होंने तो गेम ही फिर से डाउनलोड करवा दिया पूरा का पूरा। खैर मेजर अपडेट हो सकते हैं, मेजर फिक्सेस हो सकते हैं, इसलिए शायद इतनी बड़ी साइज हो। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कि गन्स में इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। अब स्पीड फायर और वोल्ट SMG ड्रॉप में नहीं मिलने वाले। स्पीड फायर आपको हेवी एमओ के साथ और वोल्ट SMG एनर्जी एमओ के साथ हाईलैंड में आपको मिल जाएगा। ड्रॉप में आपको क्रेबर पहले की तरह देखने को मिलेगा और अब ईवा 8 ऑटो और डिवोशन LMG ड्रॉप में मिलेंगे। जबकि भाई ये दोनों गन्स ड्रॉप में मिलने वाले हैं तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर रहेंगे और प्री इंस्टॉल्ड अटैचमेंट के साथ आएंगे। भाई ड्रॉप में शॉटगन देना कुछ जमा नहीं। पबजी मोबाइल में भी पहले कुछ ऐसा आ चुका है, लेकिन फिर बाद में उनको ड्रॉप से शॉटगन हटाना पड़ा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भाई इन्होंने फॉन्ट की क्वालिटी बढ़ा दी है। पहले कुछ सही से दिखता नहीं था, पर अब भाई सब क्लियर पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर पिकअप लेआउट की साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दी गई है, लेकिन आप इसे लेआउट में जाकर अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब लेआउट कस्टमाइजेशन की बात करें तो इसे आप देख सकते हैं। पहले यह चिपका हुआ था, पर अब आप इसे अपने हिसाब से कहीं भी हटा सकते हैं और फुल स्क्रीन में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इस अपडेट का मेन हिस्सा जो है वो है नया मैप, जिसका नाम है किंग्स कैनियन। भाई ये मैप बहुत ही शानदार होने वाला है। इस मैप को दो हिस्सों में बनाया गया है, एक तरफ हरियाली है तो दूसरी तरफ रेगिस्तान है। इस मैप का भाई आप खुद से एक्सप्लोर करो, आपको डेवलपर्स की मेहनत पता चल जाएगी। मैप बहुत ही डीप बनाया गया है। इस मैप ने साबित कर दिया है कि भाई एपेक्स लेजेंड मोबाइल आगे चलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 13 जुलाई से सीज़न 2 चालू हो जाएगा और रैंक मैचेस ओपन हो जाएंगे। तब तक भाई आप मैप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लो, पूरी तरह से छान डालो। अब भाई लास्ट बट नॉट लिस्ट, नई लेजेंड आने वाली है जिसका नाम है रैप्सडी। सीजन स्टार्ट होते ही ये अनलॉक हो जाएगी और इसे आप सिंडिकेट गोल से इंस्टेंट परचेस कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम वेट करके बैटल पास से फ्रेगमेंट जमा करके अनलॉक कर सकते हैं। इस वीडियो में भाई बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।